फूल नगर में एक सुहाना नाम की एक लड़की रहती थी। सुहाना के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद सुहाना अपनी दादी के साथ रहने लगी। सुहाना की दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े लाकर दे सके। सुहाना को हमेशा ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी दादी बस इतना ही कमा पाती थी उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर सुहाना कभी भी अपनी दादी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन सुहाना अपनी दादी से बोली कि वो अपने से छोटे उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आपकी मदद करना चाहती है। दादी, मैं अपनी से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे घर में आपकी भी मदद कर सकूँ। सुहाना की बात सुनकर दादी मान गई। बच्चों बोलो का खा। अगले दिन से सुहाना ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुहाना के पास और बच्चे आने लगे, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। एक दिन दादी सुहाना के पास आई और बोली, सुनो बेटा। जी बोलिए दादी जी। अब हम जब दोनों कमाने लगे हैं तो क्यों ना तुम्हें एक अच्छी ड्रेस लेकर दे। ये सुनकर सुहाना खुश हो गई। उसे वही लाल रंग की फ्रॉक याद आ गई जो वो लेना चाहती थी। अगले ही दिन सुहाना अपनी दादी के साथ बाजार में गई। उसने बाजार में वो लाल फ्रॉक बहुत ढूंढी, मगर उसे नहीं मिली। फिर उसे वो लाल फ्रॉक एक दुकान पर टंगी हुई दिखाई दी। उसे देखकर वो अपनी दादी से बोली, वो देखो दादी जी, लाल फ्रॉक, मुझे यही फ्रॉक चाहिए। पहले तो दादी इतनी साधारण फ्रॉक देखकर नहीं मानी, फिर सुहाना की जिद करने पर उन्होंने वो फ्रॉक ले ली और घर को चले गए। घर आकर सुहाना ने वो लाल फ्रॉक पहन ली। सुहाना बैठकर कुछ सोच रही थी और अचानक से बोली, दादी मुझे आज बाहर का खाने का मन कर रहा है, काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सुहाना के ऐसे कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा सोचा और भगवान की मर्जी समझ कर उसे खाने लगे। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। अगली ही सुबह वो दोनों पास के गांव में किसी काम के लिए जा रही होती हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं, वो अपने ध्यान में चल रही होती हैं, लेकिन अचानक रास्ते में बहुत ही सुनसान सा एक रास्ता आता है। उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। वो ये सुनकर बहुत डर जाती हैं। उन्हें कुछ लुटेरे उनकी ओर आते हुए दिखते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जितना भी पैसा तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ए बुढ़िया, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस पैसे चाहिए। हे भगवान, हमें बचा लो, इन लुटेरों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। काश हमारे पास पैसे होते तो हम इन्हें देकर अपनी जान बचा सकें। सुहाना के इतने कहते ही उनके आसपास बहुत से पैसे आ जाते हैं। जादू, तो इस लड़की को जादू भी आता है। अब हमें पैसे ही नहीं, हीरे मोती भी चाहिए। इतने में दादी को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये जादू इस फ्रॉक के कारण हो रहा है। तो वो सुहाना से कहती है, सुहाना बेटा, कुछ ऐसा मांगो कि हम इस मुसीबत से निकल जाएं। ये सुनकर सुहाना आंखें बंद कर प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इन लुटेरों को गायब कर दो। तभी उसी समय वो सारे लुटेरे गायब होने लग जाते हैं। ये देख वो दोनों खुश हो जाती हैं। तभी एक चमत्कार होता है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती हैं। मम्मी पापा, आप ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो भगवान के पास चले गए थे, तो यहाँ कैसे? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं माँ जी, आप सपना नहीं देख रहे, ये सच है। माँ जी, हम दोनों स्वर्ग लोक से ही पृथ्वी लोक पर वापस आए हैं। वहाँ हमने एक परी की मदद की थी। उस परी ने हमें खुश होकर ये एक लाल जादुई फ्रॉक दी थी और कहा था इसे पहनकर जो भी कोई कुछ मांगेगा उसे वह मिल जाएगा।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमने बहुत ही मुश्किल दिन देखे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ बेटी, क्या तुम्हें वो दुकान वाला याद है जिससे तुमने ये जादुई फ्रॉक ली थी? फिर सुहाना कुछ सोचने लगती है। उसे वही दुकानदार का चेहरा याद आ जाता है। जी पापा, मुझे याद है। कौन था वो? बेटी, वो कोई और नहीं, मैं ही था। वो जादुई फ्रॉक मैं ही तुम्हें देने आया था। हमें इंतजार था कि कब हमारी बेटी जिम्मेदार बनेगी और कब हम ये वाली फ्रॉक उसे देंगे। बेटी, ये जादुई रेड फ्रॉक उस दिन से तुम्हारी हो गई जिस दिन से तुमने अपनी दादी की मदद करनी शुरू की और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई। अब इसे पहनकर मजे करो। ये फ्रॉक तुम्हें देखकर हमें भी मुक्ति मिल गई। इतना कहकर वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। ये सब जानकर सुहाना और उसकी दादी बहुत खुश हुए और फिर वो वापस अपने घर चले गए। अब वो खुशी खुशी रहने लगे। उनके पास अब सब कुछ था। वो जो चाहे वो खरीद सकते थे और सुहाना अब गरीबों की भी मदद करती थी।